जय माता दी बंधुओं, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में जो बनाया गया है मिथुन राशि के लिए। दिनांक 16 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक के लिए। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन दिनों आपके साथ क्या घटनाएं होंगी। कुछ अच्छी घटनाएं होंगी और कुछ बुरी। बुरी घटनाओं से बचने के लिए वीडियो के आखिर में हमने आपको कुछ उपाय और सुझाव भी दिए हैं, जिसे करने से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इस पूरे वीडियो में हमने आपको आपके व्यापार, जॉब, शिक्षा, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य के बारे में बताया है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। सूर्य इस मास लग्न भावगत गोचर करेंगे। श्री मंगल 18 जून से कर्म भावगत गोचर करेंगे। श्री बुध 18 जून से वक्री होकर लग्न भावगत गोचर करेंगे। श्री बृहस्पति 30 जून से वक्री होकर दारा भावगत गोचर करेंगे। श्री शुक्र 25 जून से मार्गी होकर व्यय भावगत गोचर करेंगे तथा श्री शनि अष्टम भाव में गोचर करेंगे। राहु का गोचर लग्न भाव में एवं केतु का गोचर दारा भाव में रहेगा। हम बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय के बारे में। इन दिनों मिथुन राशि के जातक एवं जातिकाएं प्रबंधन, सूचना, तकनीक एवं व्यवसाय के जिस भी क्षेत्र से संबंध रखते हैं या फिर अन्य दूसरे कार्य एवं व्यापार से जुड़े, उन्हें इन दिनों निश्चित तौर पर सफल की स्थिति रहेगी, क्योंकि कर्म भावगत मंगल का संबंध सफलता की ओर संकेत कर रहा है, जिससे आपको उन्नति मिलना तय रहेगा। इस माह आपने विभागीय जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उन्नत किस्म के कंप्यूटर एवं जरूरी सामग्री उपलब्ध करने में कोशिश में रहेंगे। हालांकि कर्मेश गुरु का गोचर कैरियर एवं व्यापार में कुछ परेशानी भी देता रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रेम संबंध के बारे में। मिथुन राशि वालों को इन दिनों स्वजनों से संवाद एवं सूचना का क्रम बनाए रखने की जरूरत बनी हुई रहेगी, क्योंकि इस माह मध्य के बाद कोई घर का प्रमुख सदस्य बाहर की यात्रा करके घर पहुंच सकता है। परिजनों को सहयोग देने का जज्बा बना हुआ रहेगा। हालांकि वैवाहिक जीवन में भी कष्टप्रद स्थिति हो सकती है, क्योंकि सूर्य के साथ राहु ने ग्रहण की स्थिति गोचरीय क्रम में बना रखी है। प्रेम संबंधों में संबंधित कारक ग्रह व्यय भावगत होकर स्वग्रही रहेगा, जिससे साथी से दूर होने पर भी उनसे लगाव बना हुआ रहेगा, ऐसा ग्रही संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं वित्तीय स्थिति के बारे में। इन दिनों मिथुन राशि के जातक एवं जातिकाएं अपने धन लाभ को बढ़ाने तथा संबंधित कारोबारी एवं कार्मिक जीवन से अर्थ लाभ हासिल करने में लगे हुए रहेंगे, जिससे किसी प्रस्तावित लोन को लेने एवं देने के प्रस्ताव को मंजूरी इस माह मिलेगी, जिससे आप आगामी लाभ के कार्यक्रमों को संचालित करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी श्री मंगल ने कर्म भाव से संबंध स्थापित किया हुआ है, जिससे आपको इस इन दिनों में लाभ मिलना तय रहेगा। यह बात अलग है कि आपको कुछ बाहर की यात्राओं एवं स्थानों के निरीक्षण में जाना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा एवं ज्ञान के बारे में। इन दिनों इस राशि के जातक एवं जातिकाओं को अपने ज्ञान एवं शिक्षा को और पुख्ता बनाने की प्रक्रिया को परवान चढ़ाने की जरूरत बनी हुई रहेगी, क्योंकि संबंधित विद्या भाव के स्वामी ने व्यय भावगत स्वग्रही स्थिति को बनाया है, जिससे आपको शुभ परिणाम मिलते हुए रहेंगे। यदि आप विषयों को याद करने के लिए तैयार हैं तो एक कदम और बड़े सफल रहेंगे, क्योंकि गोचरीय गुरु ने आपके विद्या भाव से संबंध बनाया है। हालांकि आपको कुछ सावधानी बनाकर चलने की जरूरत भी बनी हुई रहेगी, अन्यथा हानि हो सकती है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। इन दिनों इस मिथुन राशि वालों को तन की तंदुरुस्ती एवं मन की स्फूर्ति को बनाकर चलने की जरूरत बनी हुई रहेगी, तभी सेहत की रौनकता परवान चढ़ेगी, अन्यथा लापरवाही के कारण रोग एवं कष्ट होने के आसार बने हुए रहेंगे, क्योंकि संबंधित भाव में मध्य माहे से सूर्य का गोचर रहेगा। वहीं सूर्य के साथ राहु गोचर लग्नगत होने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, अतः किसी अचानक ऐसे काम या फिर खान पान में शामिल ना हो जो कि किसी भी नजरिए से अचानक ही हानि देने वाला हो, यह ध्यान देने की बात है। उपयोगी
उपाय ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम साहा राहुये नमः मंत्र का जाप करें। बंधुओं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन अभिनंदन कि आपने ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल देसी भक्ति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।